अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है लर्निंग चैनल ऑफ स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखना चाहते हैं। और यकीनन ये वीडियो और इससे कनेक्टेड वीडियोस फ्री हैं, यानी कि हम ऑनलाइन फ्री क्लासेस के जरिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिखाने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सबसे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से शुरुआत करनी, तो आइए चलते हैं अपने पहली क्लास की जानिब। ओके गाइस, ये स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर की तरफ से एक एडिशनल किया जाने वाला काम है और इसमें हमने कोशिश की है कि हम आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और सबसे पहले एक्सेल के तमाम तर टूल्स सिखा सकें। याद रखिए, ये तमाम तर क्लासेस फ्री हैं, फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं और इसके लिए किसी किस्म की भी फीस या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तमाम तर रिकॉर्डिंग्स सेंटर के यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएंगी और आप उसमें दोबारा और बार बार रिव्यू करके उन टूल्स को सीख भी सकते हैं और रिपीट भी कर सकते हैं। गाइस, ये सारे टूल्स हैं जो हमने पहले फेज के अंदर कवर करना है और फेज वन के बाद हम फेज टू और फेज थ्री की तरफ भी जाएंगे। ये सारे फेजेस दर हकीकत इसलिए प्लान किए जा रहे हैं क्योंकि एक्सेल आज के दौर में बहुत कॉमनली यूज़ होता है और हमें बहुत इजीली एक्सेस आना चाहिए एक्सेल के हवाले से। ये एक्सेल के टूल्स दर हकीकत ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि ऐसे लोग जो ऑफिस में वर्कआउट कर रहे होते हैं उनको भी ज़रूरत पड़ रही होती है इन बेसिक टूल्स की। तो ये टूल्स हमने कुछ रखे हुए, सम से शुरुआत करेंगे हम, सम इफ एवरेज और देन हमारी अगली क्लास के अंदर हम काउंट और बकिया टूल्स को कवर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ये बेसिक टूल्स हैं और इससे हमें बढ़कर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट टूल्स भी सीखना है। इस तरह से हम पहले बेसिक वाले हिस्से को कवर करेंगे और साथ ही साथ फिर हम एडवांस की तरफ चले जाएंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक के बाद एक आपको सारे टूल्स और सारी चीज़ें एक्सेल की जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो यूज़ करना आ चुकी होंगी और डे बाई डे स्किल इम्प्रूव हो रही होगी। तो आइए हम मूव करते हैं अपने पहले टूल की तरफ। ओके, ये वाली क्लास दर हकीकत क्योंकि पहली क्लास है और इसमें हमने सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे इजी और सबसे सिंपल वन, कॉमन वन भी है, वो है सम का। कि सम हम कैसे कर रहे होते हैं, तो सम करने का सबसे इजी तरीका ये है कि जब भी आपके पास सेल के अंदर वैल्यूज लिखी गई हों, फॉर एग्जाम्पल मैंने तीन एग्जाम्पल्स रखी हैं हर क्लास के हर फॉर्मूले को लेकर, अगर कोई भी नंबर आपके पास लिखा गया हो और आपने उसको सम करना है तो सिंपल इक्वल, याद रखिएगा एक्सेल के तमाम तर फॉर्मूलाज इक्वल से शुरू होते हैं, तो इक्वल और आप सम करना चाहते हैं तो एस यू एम सम, शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और उसके बाद आप पहले वाले सेल पे चले जाइए। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं यूं भी माउस के जरिए और बस उसके बाद आप इंटर प्रेस करें, सारे नंबरों का सम आपके सामने है। इसका और दूसरा तरीका आइए सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। इक्वल के साथ हम एस यू एम सम लिखेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे और माउस के साथ पहले सेल पे चले जाएंगे। पहले सेल के बाद हम अगर वन बाय वन सेल को ऐड करना चाहते हैं तो कॉमा, दूसरा सेल फिर कॉमा, तीसरा सेल फिर कॉमा, चौथा, और इस तरह करके हम जितने सेल चाहें वो कॉमा के साथ ऐड करके ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर प्रेस। ये देख सकते हैं आप दूसरे का सम भी आ चुका है। इसी तरह अगर डेसिमल वैल्यूज हैं तो इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं, एक्सेल खुद एज अ कैलकुलेटर उसको सॉर्ट आउट कर लेगा। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर तीसरा तरीका ये है कि शिफ्ट प्रेस करके रखिए पहले सेल पर और एरो का बटन नीचे की तरफ जाने दीजिए, बार बार प्रेस करने पर एक एक करके वो सारे सेल सेलेक्ट कर लेगा, जितने सेल आपको सेलेक्ट करने हैं वो करने के बाद आप प्रेस कर दीजिए तो यहाँ पर भी ये सम आ जाएगा। तो इस तरह से ये सबसे बेसिक तरीका है सम करने का। और अब हम मूव करते हैं सेकंड वाले फॉर्मूले की तरफ। ओके गाइस, नाउ अब बारी है सेकंड फॉर्मूले की जानिब बढ़ने की और सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास सम इफ। सम इफ, जैसे इंग्लिश में इफ का मतलब कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अगर है, यानी कि जब भी हम जुमले में किसी कंडीशन की तरफ इशारा करते हैं तो हम इफ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। सेम एज फॉर एक्सेल,
अगर आप एक्सेल को बताना चाहते हैं कि आप सम कीजिए, जमा कीजिए, लेकिन किसी कंडीशन के साथ, किसी शर्त के साथ, तो हम सम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। आइए सम इफ का फॉर्मूला सीखते हैं। फॉर्मूले की शुरुआत इक्वल से होगी, जैसा कि बताया गया आपको। इस बार आप लिखेंगे सम और उसके साथ ऐड कर देंगे इफ, और फिर ब्रैकेट शिफ्ट के साथ ओपन कीजिए, रेंज दीजिए उसे और बताइए कि किस रेंज से डेटा उठाना है। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद क्राइटेरिया बताएंगे। क्राइटेरिया से मुराद ये कि शर्त क्या है आपकी, कौन से नंबरों को जमा करें एक्सेल। तो आप अगले ही लम्हे इन्वर्टेड कॉमा ओपन करें। इन्वर्टेड कॉमा के साथ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि ऐसे नंबरों को जमा करो जो 20 से ग्रेटर, ग्रेटर देन 20। तो याद रखिए ग्रेटर का साइन ये रहा, और किससे बड़ा होना चाहिए, 20 से। तो मैं लिख दूंगा 20, इन्वर्टेड कॉमा को बंद करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और अब इक्वल प्रेस कर दें। तो अब देखिए उसने दो नंबरों को ऐड करके दिखाया, वो एक है 42 और दूसरा नंबर है 25, यानी कि ये दोनों 20 से बड़े हैं, तो उन दोनों का सम उसने बताया है 67। इसी तरह से अगर मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि सम इफ, अब इसमें आप कोई भी कंडीशन रख सकते हैं। मैंने दोबारा से सम इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया और मैं अब रेंज देने लगा हूँ। रेंज देने के साथ मैंने उसको अब बताना है कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया। उसके बाद अब मैंने उसे बताया कि ऐसे नंबरों को सिर्फ जमा करो जो इक्वल हो 3 के। तो 3 के दो नंबर दिख रहे हैं हमें, जवाब 6 आना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा को बंद कीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। अब आप इंटर करें, देखिए आंसर 6 है। इसका मतलब उसने सारे नंबरों को छोड़कर सिर्फ 3 के बराबर वाले सेल से डेटा उठाया है और उसको जमा करके दिखाया। इसी तरह से तीसरी एग्जाम्पल में फिर दोबारा से इक्वल सम इफ, ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन के साथ अब हम फिर से रेंज देंगे। रेंज देने का तरीका पिछले वाली फॉर्मूले में भी मैंने बताया कि आप कॉमा के साथ भी रेंज दे सकते हैं, या फिर टोटल रेंज की तरफ आ जाइए, सिलेक्ट कर लीजिए ओवरऑल कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। और अब मैं बताने लगा हूँ कि ऐसे नंबरों को ऐड करो जो लेस देन 10 हो। तो ये सिंबल है लेस देन का, शिफ्ट के साथ आ सकता है आपके पास, और आप लिखेंगे 10 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। उसने वो नंबरों को ऐड किया, 6 को ऐड किया, 1 को ऐड किया, 1.5 को, इसी तरह 3.5। ये तीन नंबरों को ऐड करके हम देखें तो जवाब बनता है 11.12। बाकी बड़े नंबरों को 12 को और 15 को उसने जाने दिया। तो ये है सम इफ का फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे, यानी कि आज की क्लास के तीसरे फॉर्मूले की तरफ, जो कि है एवरेज। एवरेज, एवरेज हम सब जानते हैं कि अगर हमें नंबरों के दरमियान एवरेज निकालना हो तो उन तमाम तर ऑब्जर्वेशन नंबर्स को हम जमा करते हैं और उतने ही ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर दो नंबरों के दरमियान एवरेज निकालना है तो उन दोनों को जमा किया जाएगा और दो से डिवाइड कर दिया जाएगा, या अगर तीन नंबरों के दरमियान एवरेज लेना है तो उन तीनों नंबरों को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। बट अगर लार्ज नंबर ऑफ डेटा हो हमारे पास और उसे हमें ऐड करना हो तो हमें कैलकुलेटर या मैनुअल तरीके की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूले की शुरुआत हम करेंगे इक्वल से, और हमें पूरा लफ्ज़ यहाँ लिखना होगा एवरेज, ब्रैकेट ओपन कीजिए और सबसे इजी वन रेंज सेलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसने एवरेज निकाल के बता दिया है, यानी कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 सेल थे, 5 सेल को इसने ऐड किया और 5 से डिवाइड करके हमें आंसर बता दिया। सेम है इसका तरीका एवरेज, और एवरेज के साथ हम दोबारा से चाहें तो कॉमा के साथ भी वैल्यूज उठा सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आपको, और फिर ब्रैकेट बंद कर जा सकता है। इसी तरह से तीसरी एग्जांपल भी आसान सा फॉर्मूला है, जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है हमें और हम इसमें कमांड हासिल कर सकते हैं रेंज। तो ये था एवरेज। इस तरह से गाइस आज की पहली क्लास मुकम्मल होती है। आज के क्लास में हमने तीन फॉर्मूला सीखे, सम, सम इफ और एवरेज। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए फायदेमंद। मैं बहुत ख्याल रखी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।